नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बहुत कम रह गए हैं गुड़गांव के अंदर। जो भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस करें, सिंसियरली लें और ऐसा मत सोचें कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन रेट से दूर है या ये प्रोजेक्ट की लोकेशन सोना में है या ये न्यू गुड़गांव में है, द्वारका एक्सप्रेस पे आएगा तब हम करेंगे, या हम बात करेंगे एक्सटेंशन रोड पे कोई अगर आपका अफोर्डेबल आएगा तो आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की डिमांड आने वाले टाइमों में बहुत बढ़ने वाली है, इवन आज की डेट में भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। और अगर आप देखेंगे इसकी सप्लाई जो कि कट होने जा रही है, बहुत लिमिटेड हो गई है, क्योंकि नए बिल्डर्स अब लाइसेंस नहीं लगा रहे हैं किसी भी नए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर। सो आपको ध्यान रखना है, जो भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आता है उसको बहुत ही सिंसियरली लें और डीप एनालिसिस करके उसको फटाफट से उसके फॉर्म भरें। सो दोस्तों, अब क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर के, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूं, कुछ बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाले सवाल। तो सबसे पहला सवाल तो लोगों का ये आता है कि सर, व्हाट इज P3 एंड P4? दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके भी जरूर वॉच करिए। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी P3 और P4 में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप कोई प्रॉपरली P3 कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हो तो समझना है आपको, अगर आपका कोई भी रेजिडेंशियल या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली NCR, हरियाणा और चंडीगढ़ में किसी भी ऑथराइज और लाइसेंस कॉलोनी में नहीं है, देन ओनली यू आर P3। मतलब P3 वो लोग हैं जिनकी NCR, हरियाणा, चंडीगढ़ में किसी भी ऑथराइज लाइसेंस कॉलोनी में कोई भी खुद का मकान नहीं है। बाकी लोग जो P4 में आते हैं, अगर उनका मकान दिल्ली NCR में है, उनकी रजिस्ट्री हो रखी है, कोई पक्की रजिस्ट्री हो रखी है, फ्री होल्ड वाली चीज़ें हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो NCR में हो, चाहे वो हरियाणा में हो और चाहे वो चंडीगढ़ में हो, तो वो लोग P4 कैटेगरी में आते हैं। दूसरा सवाल जो आता है वो ये आता है कि अगर मेरे हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर तो क्या सर मैं अप्लाई कर सकती हूँ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। सो दोस्तों, आपको ये समझना है कि अगर आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड, वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। यानी कि आपको ये समझना है कि हस्बैंड और वाइफ एक यूनिट है। अगर किसी हस्बैंड का या किसी वाइफ का कहीं भी प्रॉपर्टी है दिल्ली NCR, ठीक है, या फिर आपका हरियाणा या चंडीगढ़ में, तो आप P4 कैटेगरी में लाए करते हो। डोंट थिंक दैट यू आर इन P3। मेरा तो नहीं है सर, आपका नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अनमैरिड हैं देन यू आर P3, बट इफ यू आर मैरिड देन यू आर P4 कैटेगरी। तो P4 में निकलने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम P3 ही कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे होते हैं इन द ड्रॉ। एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, अगर उनको ये पता चलता है कि भाई हस्बैंड वाइफ एक यूनिट है, तो आपको ये देखना है कि क्या आप अपने बच्चों के नाम से भर सकते हो। ये भी काफी बार सवाल आता है। जी हाँ, भर सकते हो अपने बच्चों के नाम से, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो, बट कंसीडर ये है कि उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर उनकी एज 18 साल से नीचे है तो आप उनको अप्लाई नहीं करवा सकते, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट। अगर 18 साल से ऊपर है, इंडिविजुअली आप अपने दोनों बच्चों के नाम पे, तीनों बच्चों के नाम पे फॉर्म भर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आप पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बच्चों के नाम से भर सकते हो, या आप अपना भरना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के नाम पे भर सकते हो, बट अगेन कंसिडर द फैक्ट कि उनका P3 और P4 आपको चेक करना रहेगा। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है बहुत कॉमनली, कि क्या सर हम किसी रिलेटिव के नाम पे भर लेते हैं और बाद में उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते हैं? आप बिल्कुल अपने रिलेटिव के नाम पे भर सकते हो जो कि दिल्ली NCR, हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर हैं। उनकी कोई प्रॉपर्टी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो राजस्थान में है, अगर वो इंदौर में है, अगर वो जम्मू कश्मीर में है या किसी भी लोकेशन पे है, आप उनके नाम से प्रॉपर्टी भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो हमेशा P3 ही रहेंगे। तो NCR, हरियाणा और चंडीगढ़ के बाहर के लोगों के लिए तो हमेशा से फायदा है। यही रीजन है कि बहुत सारी एप्लीकेशन अब ऑनलाइन आने लगी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो मेरा एक पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, ताकि मैं उनके कन्फ्यूजन को, उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जो मुझको फोन करके आ रहे हैं और जो मुझे कमेंट्स में मिल रहे हैं, उसके बेस पर मैं आपको आंसर कर सकूं। इसके बाद जो बड़ा कॉमन सा सवाल आता है वो है कि क्या हम रिलेटिव के नाम पे भर सकते हैं और बाद में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? देखो, अगर आपका रिलेशन ब्लड रिलेशन है और अगर आप किसी हरियाणा वाले रिलेटिव के नाम पे भर रहे हो, ठीक है, तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा चार्ज है, आपको रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं, वो इजीली ट्रांसफरेबल है। बट कब है? जब आपका पोजीशन हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि अभी मैं भर देता हूँ किसी रिलेटिव के नाम पे, बिफोर पोजीशन में उसको अपने नाम पे ट्रांसफर कराता हूँ या ड्रॉ के बाद अपने नाम पे ट्रांसफर कराता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होने वाला। सो डोंट बी इन दैट पर्टिकुलर फेज कि हाँ मैं तो ट्रांसफर करवा लूंगा। अननेसेसरी आप अपने चांसेस और बाकी लोगों के चांसेस भी खराब करोगे। इसके बाद सवाल आता है कि सर क्या इसमें पावर बैकअप होता है? दोस्तों, इस सोसाइटी के अंदर पावर बैकअप होता है, उसके कुछ अलग से चार्जेस हैं, वो आपको पोजीशन के टाइम पे देने पड़ते हैं। दूसरा जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है कि सर क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में पार्किंग मिलती है?
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर टू व्हीलर पार्किंग आपको मिलती है, फोर व्हीलर पार्किंग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए बिल्डर आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, वो एक अमाउंट 3-4 लाख के आसपास रहता है, तो वो बाद में आप ले सकते हैं और उसके अंदर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है। बिकॉज आपको ये समझना है कि 1000 फ्लैट है तो पार्किंग जो निकलेगी 300-400% की निकलेगी, 30-40% फ्लैट से निकलेगी, तो आप अगर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जाओगे तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आप पार्किंग ले पाओगे। नाउ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, इसमें एफिडेविट कहाँ से लाएं? दोस्तों टीसीपी हरियाणा की साइट पे एफिडेविट मिल जाता है, आपको फॉर्मेट मिल जाता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको उसको नोटरी से अटेस्ट कराना पड़ता है। खाली एफिडेविट लगा दोगे तो प्रॉब्लम है, वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, लोग जब अपना ये फॉर्म फिल कर लेते हैं या किसी की मदद से, किसी कंसल्टेंट की मदद से फॉर्म फिल करवा भी लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, मेन पॉइंट आता है पेमेंट का, कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। इसमें दोस्तों यूपीआई पेमेंट एलिजिबल नहीं है, ओनली डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो आपकी लिमिट मोर देन 1 लाख रुपीज होनी चाहिए, अनलेस अनटिल अगर वो नहीं है तो आपका पेमेंट स्टक हो जाएगा, अटकेगा, वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। एक ऐसा सवाल जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट में बड़ा मुश्किल है होना, लोग पूछते हैं कि अगर सर हम दो फॉर्म भरें तो दोनों निकल जाए तो कौन सा वाला हमारे को रखना चाहिए? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने दो फॉर्म भरे, एक मेल के ऊपर एक फीमेल के ऊपर, तो आपको फीमेल वाला रखना चाहिए, कंसिडरिंग कि आपका फ्लोर जो निकला है वो बेटर है उसके अंदर, नहीं तो आप मेल वाला भी रख सकते हो, क्योंकि अगर आप मेल के नाम से करते हो तो रजिस्ट्री के चार्जेस आपको 2% महंगे पड़ते हैं। इसके बाद जो सवाल आता है वो ये आता है कि इसमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। दोस्तों आपको अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो सारे आने वाले टाइम में MY1 कंस्ट्रक्शन के होंगे। MY1 कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द लेटेस्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर को महंगा पड़ता है लेकिन स्टिल वो MY1 कंस्ट्रक्शन इसलिए लगा के देता है ताकि उसका काम जल्दी हो जाए, बिकॉज इट हेल्प्स इन हैविंग दी फ्लोर्स वेरी क्विकली। आने वाले टाइम में MY1 कंस्ट्रक्शन वाले ही अफोर्डेबल आपको देखने को मिलेंगे, पहले के कुछ पास अफोर्डेबल हैं जो MY1 पे नहीं है, बट ये सारे MY1 कंस्ट्रक्शन वाले ही अफोर्डेबल आपके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है क्या हम इस पर लोन ले सकते हैं? जी हाँ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपका सिविल अच्छा है, सो यू विल गेट दी 90% लोन, अप टू 90% लोन आपको बहुत इजीली मिल जाता है और अच्छे रेपुटेड बैंक्स कर रहे हैं, जैसे कि आपका HDFC हो गया, ICICI हो गया, PNB MetLife। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसके लिए सभी लोग अफोर्डेबल की चाहत रखते हैं, अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सर इसका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा। मैं पहले की भी कुछ वीडियोस में बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूं, उन वीडियो को भी जाके देखें, मैंने बताया है कि अफोर्डेबल में कितना परसेंट एप्रिसिएशन होता है। मैं स्टिल आपको बता देता हूं, अफोर्डेबल प्रॉपर्टी चाहे आप गुड़गांव के किसी भी कोने में लेते हैं, 4-5 साल के अंदर वो पैसा डबल हो जाता है लगभग। अगर आपने कोई 27 लाख की चीज़ ली है, 28 लाख की चीज़ ली है, तो ऑन पोजीशन या उसके एक साल के बाद जब आप उसको बेचने जाते हो तो वो तब तक जा करके 55-56 लाख का बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, लोग पूछते हैं सर इसमें रेंटल्स कहते आते हैं कि यार रेंटल यील्ड कितना आता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर रेंटल्स बहुत अच्छे हैं, 6-7% के रेंटल्स हैं, यही रीजन है कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम अपना अफोर्डेबल फ्लैट कब बेच सकते हैं, क्या हम ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन अपना अफोर्डेबल फ्लैट बेच सकते हैं? इसका आंसर है नो, ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन आप अपना अफोर्डेबल फ्लैट बिल्कुल नहीं बेच सकते। इवन जब आपको पोजीशन मिल जाता है उसके एक साल के बाद आप अपना अफोर्डेबल बेच सकते हैं। तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो जिस दिन से आपने अपना एप्लीकेशन का फॉर्म फिल किया है उससे लेके 5 साल तक अब इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, लेकिन अच्छी चीज ये है कि 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी काफी अच्छी अप्रिशिएट कर जाती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर हमने तो काफी फॉर्म्स भरे थे, 2 फॉर्म भरे थे, फिर भी हमारा नहीं निकला। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ फ्लैट्स आपके नहीं निकले हैं फिर भी बिल्डर के पास एक वेटिंग लिस्ट होती है। जैसे कि अभी काफी लोगों ने पूछा था मेरे से कि सर हमारे 2 निकल जाते कौन सा रखें, तो जिन लोगों के 2 निकल जाते हैं या जिन उनका किसी और तरीके से निकल जाता है और वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं या पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे के सारे फ्लैट्स आपके वेटिंग लिस्ट में मिल जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट एक होती है जो बिल्डर निकालता है, 25-30% आपके जो नंबर ऑफ फ्लैट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली वेटिंग लिस्ट होती है। तो अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी है सो डोंट वरी, आपका नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो अफोर्डेबल से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, अभी कुछ नए अफोर्डेबल आ रखे हैं उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस ये आ रहे हैं। सो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को कैटर करने की, और अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट में लिखिए। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आप चाहते हो कि वो भी एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और आने वाले टाइम में एक अच्छे एप्रिसिएशन का फायदा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में अफोर्डेबल हाउसिंग या लग्जरियस प्रोडक्ट की या कोई भी गुड़गांव रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। दिस इज निपुन गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।